की करते हैं। हर साल बाढ़ से त्रस्त ऊपरी और उत्तरी असम के जिलों में 47 विधानसभा क्षेत्रों में 27 मार्च को मतदान होगा। हर साल बाढ़ के कारण औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान असम जैसे राज्य को उठाना पड़ता है। ऐसे में इस आपदा को लेकर होने वाली राजनीति इस वक्त यहां चरम पर है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। असम के लोग बाढ़ और भूस्खलन को दशकों से देखते आ रहे हैं। राष्ट्रीय जल नीति के लागू होते ही सरकार द्वारा इस आपदा से निपटने के लिए तत्कालीन लघु अवधि और दीर्घ अवधि की योजनाओं पर काम शुरू हो गया। जोरहाट से माजुली तक करीब 7 किलोमीटर के पुल की आधारशिला रखने के अलावा केंद्र सरकार द्वारा संवेदनशील जगहों की CCTV से निगरानी, NDRF को असम के लिए अतिरिक्त फंड और 2000 करोड़ से अधिक की लागत से 141 बड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें 105 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 30 पूरी होने को हैं और 6 पर काम चल रहा है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित गाँवों में शामिल लेजाई, पनीमिरी और जगी मुख के सरपंच मिहिर कुमार मिली बताते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए काम तो शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हो पाया है। हम लोग का जितना एरिया है विलेज सब पानी के अंदर घुस जाता है और आदमी लोग को हम लोग हाईलैंड में ले जाता हूँ। इसे तो ENDA बनाया है अभी लेकिन इस साल में कम्प्लीट नहीं हुआ। जब कम्प्लीट हो जाएगा कम्प्लीटली प्रोटेक्शन हो जाएगा हम लोग का। बाढ़ के समय पशुपालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वे इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं। ये बोगी बिल का शाउल खोवा गांव है जो कि बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। इस तरफ जो है हमारे दाहिनी तरफ ब्रह्मपुत्र है और बाईं तरफ जो है ये कई सारे यहाँ पे गांव जो छोटे छोटे हैं, कुछ कई गांव हैं जो ग्वाला जिसमें रहते हैं, अहोम कम्युनिटी का भी गांव है और इसके अलावा जो स्थानीय अलग अलग आदिवासी हैं वो गांव है। सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है वो मवेशियों को जो है यहाँ से हटाने में आती है जब बाढ़ का पानी वहां तक आता है। कुछ स्थानीय युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बात बताइए जो ब्रह्मपुत्र का जो अभी जो हाल है ये आने वाले 2-3 महीने में जब बारिश शुरू होती है फिर कैसा रुद्र होगा? सब अप्रैल महीने आएगा, अप्रैल महीने के बाद तो वो बारिश जब शुरू होगा इसके बाद पानी भी आ जाएगा। पानी आने से वो पूरा पानी आ जाएगा, इस प्रक्रिया शुरू होगी पानी आ जाएगा, पूरा पानी आ जाएगा। पानी आने के बाद पूरा यहाँ पर जैसे लगेगा आप शहर के अंदर में है, बीच में है, ऐसे लगेगा जब हम लोग उधर बारिश का अंदर पानी होता है और बाहर ये ब्रह्मपुत्र का पानी होता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब उपाय लिए गए हैं जैसे कि अभी यहाँ में पार्कोपाइन दे के रखा है लेकिन ये कोई मतलब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पानी ऊपर के आना है, ऊपर के नदी पानी का। कौन सा नदी का? ब्रह्मपुत्र का नदी का। इधर धुआंधार रैलियों में बाढ़ का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। पिछले दिनों लखीमपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने जहां सैटेलाइट सर्वे करके इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही, वहीं यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा पर इस मुद्दे पर बस राजनीति करने का आरोप लगाया। अब सैटेलाइट से सर्वे होगा और जितने भी बाढ़ के आने वाली जगह है और बाढ़ वाली जगह है वहाँ बहुत बड़ा पोखर बनेगा, बहुत बड़ा पोखर बनेगा और पानी को रोका भी जाएगा, आपके विकास के लिए रोका जाएगा, इस तरीके की व्यवस्था। बाढ़ के टाइम पे BJP सरकार ने लखीमपुर में कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं तो अलग बात है। वो लोग उनका मिनिस्टर लोग उनके CM साहब उनके हिमंत बिस्व शर्मा, मोदी जी और अमित शाह, ये लखीमपुर लोग बोल रहे हैं अभी क्यों आ रहा है? जब इलेक्शन आएगा तब आता है, जब पानी में मतलब डूबते रहते तब नहीं आता है। बहरहाल हर साल ब्रह्मपुत्र के डर के साए में जी रहे लोगों को स्थायी राहत कम मिल पाती है ये देखना बाकी है। मेरे पीछे जो आप ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे हैं वो अभी विश्राम मुद्रा में है लेकिन आने वाले 2-3 महीने के बाद मानसून में यह विकराल रूप धारण करती है और कई लाख लोगों जो है उनको परेशानी में डाल देती है। असम के लोग यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो उनको इस परेशानी से निजात दिला सके। अपने सहयोगी इब्दादुल हक के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, डिब्रूगढ़, असम। और असम में सबसे हाई